27, 11, 65 पृष्ठ 2 मध्यादि। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिछाड़ी की नस्ल कहेंगे। पहले कौन हुआ? पहले प्रजापिता ब्रह्मा हुआ या पहले शिव हुआ? शिव सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु वो पहले पहले है। ब्रह्मा को भी पिछाड़ी की नस्ल कहेंगे। कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अभी तो तुम्हारे सन्मुख फादर है। अभी वो फादर कौन सा? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हारे सन्मुख है। पिछाड़ी वाले कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और तुम्हारे लिए कहेंगे फादर। जो तुम्हारे पिछाड़ी आएंगे उनके लिए कहेंगे, जिन्होंने देखा नहीं होगा उन पीढ़ियों के लिए कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और तुम्हारे लिए फादर। तुम डायरेक्ट फादर से वर्षा लेते हो और तुम्हारे बाद की जो पीढ़ी होगी वो लेंगे अपने बाप से वर्षा, ग्रैंडफादर का वर्षा लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण अडॉप्ट किए हैं, ये है दादा। कौन है दादा? दादा माना बड़ा भाई को दादा कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा है दादा और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण अडॉप्ट किए हैं। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा द्वारा किसको अडॉप्ट किया जाता है? ब्रह्मा द्वारा किसकी रचना होती है? ब्राह्मणों की। ब्रह्मा से ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। पैदाइश कैसे होती है? शूद्रों को मुख से अपनाया जाता है और उनको ब्राह्मण बनाया जाता है। तो शूद्रों को कन्वर्ट करके ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर उन ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। तो डबल मशीनरी हो गई। क्या? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं ब्राह्मण? शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है ब्रह्मा द्वारा। और जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण कौन बनते हैं? किनको ब्राह्मण कहा जाता है? जो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बात को माने। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, पेट और जंघाओं से वैश्य निकले। अब क्या मुख में, भुजाओं में, पेट में कोई मशीन रखी हुई थी जिसमें से निकले? नहीं, इनके लाक्षणिक अर्थ हैं। उन अर्थों को सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के और कोई क्लियर नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। इस सारी दुनिया में कौन है? सब शूद्र है, कोई ब्राह्मण नहीं था। कोई यहाँ ब्राह्मण बैठा हो बाहर की दुनिया का, जिसने ये नॉलेज नहीं ली हो तो उसे गुस्सा आएगा, क्या बोलते हैं? लेकिन नई बात नहीं बोलते हैं। आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने भी यही कहा था, भय वर्ण संकर सब है, सारे ही वर्ण संकर हो गए। इस दुनिया में कोई पक्का ब्राह्मण नहीं रहा। जब कलयुग के अंत में आकर के सारे ही वर्ण संकर शुद्ध हो जाते हैं तो परमपिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता है। और जो ब्राह्मण रचे जाते हैं, जो ब्रह्मा मुख की बात को मानते हैं, और पहली पहली बात ब्रह्मा मुख से क्या कहते हैं मानने के लिए? बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। योगी बनो माने परमात्मा को याद करो, और याद तभी अच्छी लगेगी जब अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। नहीं तो ईश्वरीय याद
जो एवर प्योर है उस एवर प्योर की याद नहीं आएगी। तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो एक तो ब्रह्मामुखी बात माने और दूसरी पवित्र बने। उन ब्राह्मणों को फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा क्या बनाया जाता है, ब्राह्मण से देवता बनाया जाता है, माने उन ब्राह्मणों को फिर एडाप्ट किया जाता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बने थे उन ब्राह्मणों को फिर से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करके फिर उनको शिक्षा दे करके देवता बनाया जाता है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में जो सर्वोपरि ग्रंथ है कौन सा, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की गाई हुई गीता है, उस गीता में ये बात आती है, ये लक्ष्य दिया हुआ है मानव जीवन का कि मनुष्य नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। नर अर्जुन जैसे मनुष्यों को क्या बनना है, नर से नारायण जैसा बनना है, और द्रौपदी जैसी नारियों को क्या बनना है, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है, मन मनुष्य से देवता बनना है। तो ये है दादा, ये है कह के किसकी तरफ इशारा करते थे, शिव बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे तो शिव ज्योति बिंदु ब्रह्मा के मस्तक में भ्रकुटी के मध्य में ब्रह्मा की आत्मा के बाजू में बैठता था। तो यह कह के किसकी तरफ इशारा किया, ब्रह्मा की तरफ। यह दादा है, दादा माना बड़ा भाई है, और बाप कौन है, बाबा कौन है, शिव बाबा। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा है, और जो पहला बच्चा इस सृष्टि पर जन्म लेता है कृष्ण बच्चा, कहते ना हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माना जो नारायण है वो ही कृष्ण है, सतयुग के आदि में जो कृष्ण है वो ही बड़ा होकर के नारायण बनता है। तो जो नारायण बनता है उसकी फिर पीढ़ी चलती है सतयुग में, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, किंग एडवर्ड थर्ड, ये पीढ़ियां चलती है ना राजाओं की, ऐसे ही सतयुग आदि में नारायण नाम की पीढ़ियां चलती थी। आठ जन्मों में आठ नारायण हुए, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। क्या सप्तमी क्यों नहीं मनाई जाती, छठ क्यों नहीं मनाई जाती, अष्टमी मनाई जाती, क्योंकि आठवें नंबर पर कृष्ण जैसा बच्चा संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो वो है बड़ा भाई, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे पहले जन्म लेता है बाप का बच्चा, वो बड़ा भाई हुआ, और बाकी सब छोटे भाई हुए, तो वो हो गया दादा। क्या हो गया, दादा। ये दादा नाम क्यों रखा दुनिया में, बड़ा है। हाँ, एक तो बाप का बड़ा बच्चा होता है, हैं? बाप का जो बड़ा बच्चा होता है कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता है, तो दादागिरी बहुत चलाता है क्या। तो ब्रह्मा की सोल भी भले पुरुषार्थ पूरा नहीं करती है, ब्राह्मण सो देवता नहीं बनती है अपने उसी शरीर के द्वारा, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जिसमें भी प्रवेश करती है उस तन के द्वारा वो सारे ब्राह्मण परिवार के बीच में दादागिरी का पार्ट जरूर बजाती है। क्या, कौन सा पार्ट, दादागिरी। काम करो तो करो, हमारी बात मानो तो मानो, शिव बाबा के रास्ते पर चलो तो चलो, नहीं चलो तो मैं धर्मराज का डंडा लेकर के आता हूँ। नाम पड़ता है उनका दूसरा धर्मराज युधिष्ठिर, जो युद्ध क्षेत्र में धर्म का राजा बन करके युद्ध में स्थिर होकर के रहता है। क्या, हिलता डुलता नहीं। तो ये है दादा, ये है माना कौन, कृष्ण की सोल ब्रह्मा, और वो है बाबा,
हुआ कह के दूर क्यों कर दिया? माने 68 से पहले पहले तक ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये वाणी चलाई थी। ये 65 की वाणी है ना। सन 65 में माउंट आबू में शिव बाबा ने कृष्ण के अंतिम चोले में 84वें जन्म के चोले में जिसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, दादा लेखराज ब्रह्मा, उनमें प्रवेश करके ये वाणी चलाई। तो वो खुद कहता है यह है दादा, यानी ब्रह्मा है दादा इस मनुष्य सृष्टि का, और वो है बाबा। वो है मैंने कौन? आगे आने वाला पार्ट जो बाप के रूप में पार्ट बजाता है ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद। तो बताया तुमको वर्षा भी बाप से मिलता है। किसी ने कहा, किसी ने सुना कि धर्मराज से वर्षा मिलता है? वर्षा नहीं मिलता है। हाँ वो सजाएं जरूर देता है, लेकिन जितनी जास्ती सजाएं मिलती हैं धर्मराज से उतना पद नीचा हो जाता है। दुनिया में जास्ती से जास्ती कितने पद हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे तक कितने पद हैं? 500 करोड़। दुनिया की आबादी आज कितनी है? 700 करोड़ जो है वो 200 करोड़ तो ऐसी आत्माएं हैं जो कलयुग के अंत में एटम बम बनने के बाद तब उतरती हैं जब ये दुनिया कीड़े मकोड़ों मिसल बन जाती है। सिर्फ एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। क्या? तो जिसके जन्म ही एक हुआ है, 84 के पूरे चक्र में पार्ट ही नहीं बजाया है, वो हीरो पार्टधारी के मुकाबले तो बहुत नीची कोटि की आत्माएं हैं। वो तो मनन चिंतन मंथन भी नहीं करती ठीक से, ईश्वरीय ज्ञान की बातों पर तो मनन चिंतन मंथन करती ही नहीं। वो अपनी ही कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीना चाहती। क्या? जैसे आचार्य रजनीश आए अभी अभी, उन्होंने अपनी ही जिंदगी जीने की एक नई रीति बना दी, बता दी लोगों को कि संभोग करेंगे उसी में समाधि लगती है। एकदम उल्टा ज्ञान दे दिया। उससे क्या होता है, सारी सृष्टि एकदम नीचे जाती है। संभोग से समाधि की ओर जाया जाएगा क्या? संपूर्ण भोग करेंगे, संभोग माने संपूर्ण, अभोग माना भोग, इंद्रियों से संपूर्ण प्रकार संपूर्ण पूरी शक्ति लगा करके भोग करेंगे तो इंद्रियां और जास्ती उत्तेजित होंगी कि कंट्रोल में आएंगी, और ही जास्ती उत्तेजित हो जाएंगे। तो भोगी बनेंगे या योगी बनेंगे? समाधि लगेगी या चंचलता आएगी? तो वहां से ये कीड़े मकोड़ों की सृष्टि की शुरुआत होती है। वो ईश्वरीय ज्ञान की मनन चिंतन मंथन करने की बातों में अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, क्योंकि लास्ट जन्म उनका एक ही है। एक ही जन्म में वो सतो प्रधान, फिर एक ही जन्म में तमो प्रधान बन जाते हैं। तो ये है दादा ब्रह्मा, अर्थात कृष्ण की सोल है दादा, और वो है बाप। 65 की वाणी में बोला वो करके किस तरफ इशारा दिया? भविष्य सन 76 की तरफ इशारा दिया, जिसके लिए 65-66 में ही घोषणा की थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। जो स्थूल बुद्धि है जिन्होंने ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझा, उन्होंने उल्टा अर्थ उठाया। क्या उल्टा अर्थ उठाया? कि 76 में दुनिया पुरानी खलास हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। अरे दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है कि पहले स्थूल में संपन्न हो जाता है? मकान बनाना है, किला बनाना है, तो पहले बुद्धि में खाका आएगा, फिर कागज पर खींचा जाएगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। तो जरूर जो बाबा ने चित्र बनवाया था
कृष्ण का एक चित्र बड़ा बनवाया था जो पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में हर सेंटर पर दरवाजे पर लगा रहता था। बड़ा चित्र बनाया था। उस बड़े चित्र में कृष्ण को घोटू चलते हुए दिखाया गया, एक आदमी एक हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया गया, सीढ़ी पर बहस ला रहा हूँ। कृष्ण बच्चे के द्वारा क्या ला रहा हूँ? टीरी पर बहस, हथेली पर स्वर्ग की दुनिया ला रहा हूँ और बाएं पांव से नरक की दुनिया को लात मार रहा हूँ। माना जो कीड़े मकोड़ों जैसी दुनिया बनाने वाले हैं, नाली का सुख लेने में बहुत आनंद समझते हैं। जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, वो नाली में से निकाल दो, उसको साफ सुथरे स्थान में रख दो तो क्या होगा उसका हाल? वो कीड़ा मर जाएगा, बिलबिला के मर जाएगा। अब उसको वहां से बिलबिला अगर थोड़ी सी दम बची है फिर उठा करके नाली में डाल दो तो उसको जान मिल जाएगी। ऐसे आज की इस दुनिया की हालत हो चुकी है। तो परमात्मा बाप कहते हैं, मैं अभी इस नरक की रौरव दुनिया को पलट करके स्वर्ग बना करके तुम बच्चों के सामने सीढ़ी पर बहस्ते के मुआफिक ला रहा हूँ। एक हाथ में स्वर्ग की दुनिया रखी है और दूसरे हाथ में, दूसरे पांव में वो नरक को लात मार रहा हूँ। माने इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसे ही अगर तुम भी इस दुनिया से वैराग को प्राप्त करोगे, इस नारकीय दुनिया के क्षण भंगुर सुखों को लात मारोगे, तो मैं तुम्हारे हाथ पर स्वर्ग की दुनिया रख दूंगा। माने तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग महसूस होने लगेगा। जैसे ये हाथ होता है ना, तो हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, पकड़ी जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई चीज पकड़ी जाती है। बुद्ध रूपी हाथ और बुद्ध रूपी पांव कहा जाता है। कहते तुम्हारे गुरु जी की जहाँ अकल पहुंची हुई है वहां तक तुम्हारी बुद्ध रूपी पांव नहीं पहुंचेंगे। तो पांव का मिसाल और हाथ का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। तो अपनी बुद्धि से अगर इस नरक की दुनिया का वैराग करोगे, क्या वैराग किस लिए? बिनु वैराग विवेक न होई। क्या वैराग अगर नहीं आता है इस दुनिया से तो ज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। या तो जीवन इतना दुखी हो जाए, इतना दुखी हो जाए कि इस दुनिया से वैराग आ जाए तो ईश्वरीय ज्ञान अच्छा लगेगा, या तो अगर ज्ञानी तू आत्मा है तो ईश्वर का ज्ञान सुनने से ही उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा। अब ये दुनिया जाने वाली है, एटमिक एनर्जी बन चुकी है, ईश्वर भी आ चुका है, हर हर बम बम का नारा दुनिया में लगने वाला है। प्रैक्टिकल ये बम फटेंगे, दुनिया एक तरफ खलास होगी और दूसरी तरफ नई दुनिया का संगठन स्थापन हो चुका होगा। तो संक्षेत्र के लिए बाबा ने ये घोषणा कराई थी। वो घोषणा का अर्थ सूक्ष्म में बेहद में लगता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो दो प्रकार के ब्राह्मण दिखाई देते हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे आसुरी ब्राह्मण और दूसरे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की संख्या ज्यादा होती है या कम होती है? थोड़ी होती है। और भ्रष्ट पुरुषार्थियों की संख्या जास्ती हो जाती है। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ढेर असुर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में घुस पड़ते हैं। ये ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है, प्रैक्टिकल में रची जा रही है, देश देशांतर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, देश देशांतर के सभी देशों में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैला हुआ है। हजारों हजार की तादाद में स्टूडेंट्स लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनमें दो प्रकार के। तो आसुरी सृष्टि को खलास करने के लिए, बाहर की सृष्टि नहीं, कौन सी? ब्राह्मणों की दुनिया जो ब्रह्मा के द्वारा रची गई, उनमें जो आसुरी ब्राह्मणों की सृष्टि है उसको खलास करने के लिए परमात्मा शिव को कोई दूसरे चोले में संचेतर से प्रवेश करना पड़ता है। जिसमें वो प्रवेश करता है वो त्रिनेत्री कहा जाता है।
तीसरे नेत्र का नाम क्या होता है शंकर जी का? उसने नेत्र का नाम दिया हुआ है शास्त्रों में, सेवा नेत्र। सेवा नेत्र का मतलब शिव स्वयं उसमें नेत्र के रूप में प्रवेश कर जाता है, और शिव प्रवेश करता है साथ ही साथ मस्तक में चंद्रमा भी दिखाया जाता है। संपूर्ण चंद्रमा दिखाया जाता है या अपूर्ण चंद्रमा दिखाया जाता है? अपूर्ण चंद्रमा दिखाया जाता है। तो जो अपूर्ण चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा, वो है ब्रह्मा की सोल। चंद्रमा क्यों? तीसरा नेत्र तो ज्ञान सूर्य हो गया, ब्रह्मा चंद्रमा क्यों? चंद्रमा इसलिए कि वो ज्ञान सूर्य है, जिस तन के द्वारा ब्राह्मण बच्चों की पालना करता है। उन ब्राह्मणों में आसुरी ब्राह्मण भी होते हैं। जैसे घर परिवार होता है, माता होती है, ढेर बच्चे होते हैं, उन बच्चों में कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे बच्चे भी होते हैं, कोई चोर डकैत लुच्चे लफंगे बन पड़ते हैं, कोई अच्छा बच्चा भी होता है, बाप की अच्छी दुकान संभालता है। तो बाप तो क्या करेगा, किसको सपोर्ट करेगा और किसको मारेगा थप्पड़? जो अच्छा काम करेगा, दुकान संभालने वाले को तो संभालेगा, अच्छा प्यार करेगा है? और जो दुष्टता देने वाले बच्चे हैं, जिनका हुजूम बन जाता है, जिनका संगठन बहुत जबरदस्त बन जाता है, उनको ठुकराता है। अच्छे बच्चों को वर्षा देता है, दुष्ट बच्चों को दंड देता है। तो ऐसे ही माँ नहीं करती है। माँ का चाहे लूला बच्चा हो, लफंगा बच्चा हो, चोर हो, डकैत हो, छोटा बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, वो उसको तो यही चाहेगी कि ये मेरा बच्चा मेरी गोद में बना रहे, उसको अति का प्यार देती है। तो प्यार से, इस तरह के प्यार से बिगाड़ होगा या सुधार होगा? बिगाड़ हो जाता है। तो परमात्मा के लिए कहते हैं शिव परमात्मा के लिए, तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें। वो आकर के माता भी बनता है, वो आकर के पिता भी बनता। पहले तुम्हें वह माता, तो जरूर वो माता बना होगा ना। जब नई सृष्टि रखेगा तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मणों की पैदाइश होगी नई सृष्टि की, उनको संभालने के लिए पहले माँ का रूप धारण करेगा या पहले ही बाप बन के आ जाएगा? पहले माँ का रूप धारण करता है। तो ब्रह्मा के द्वारा उसने ब्राह्मणों की ऐसी पालना की है, इतना प्यार दिया है जो सृष्टि में दुनिया की कोई माँ नहीं दे सकती। ये रिकॉर्ड है दादा लेखराज ब्रह्मा का, कि उनके पास कोई पत्थर माल भी क्यों न पहुंचा हो, कसाई जैसा आदमी क्यों न पहुंच गया हो, अगर एक 10-15-20 सेकंड के लिए उनके सानिध्य में रहा तो उसने ये अनुभव किया कि दुनिया में जितना हमको बाबा ने प्यार दिया उतना और किसी ने प्यार नहीं दिया। वाचा से, दृष्टि से, खिलाने से, पिलाने से, सब प्रकार से बाबा ने प्यार, ये नहीं देखा कि ये आसुरी बच्चा है या श्रेष्ठ देवताई बच्चा है। तो ये मिसाल है शास्त्रों में कि परमात्मा माँ बन करके भी आता है। कैसी माँ? जैसी माँ दुनिया में और कोई भी माता बन नहीं सकती। तो शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो उनके काम के आधार पर पड़े। क्या? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। कैसी माँ? बड़ी से बड़ी माँ। उससे बड़ी माँ दुनिया में कोई होता नहीं। अच्छा, फिर तो माँ की तो पूजा होनी चाहिए बाप से भी पहले, है? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। अपनी भारतीय परंपरा में तो माँ का रिगार्ड बाप से भी ज्यादा रखते हैं कि नहीं? ऐसे भक्ति मार्ग में परंपरा चलती है कि बाप मर जाए तो बेटा जो है अपने को भाग्यशाली समझता है कि माँ हमारी जिंदा है, वो हमको अंत तक प्यार देती रहेगी। तो माँ के लिए जनरेशन को पालना की बहुत जरूरत होती है। तो सुप्रीम सोल परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा
वो माँ का पार्ट बजाया जो दुनिया में कोई किसी माता ने नहीं बजाया। कब तक बजाया है? सन 36 से लेकर ही और 18 जनवरी 69 तक बजाया। लेकिन माँ के प्यार से बच्चे सुधरते नहीं है। अति का प्यार देने से क्या होता है? अति सर्वत्र वर्जित, बिगड़ जाती है बात। तो परमात्मा शिव को ब्रह्मा का चोला छोड़ देना पड़ता है। माने जो कृष्ण की सोल है, जो अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है, उनका चोला छोड़ देना पड़ता है। और वो राम की सोल जो सूर्यवंशी कही जाती है, वो ही अंतिम जन्म में आकर के कोई गरीब ब्राह्मण बनता है। क्या गरीब ब्राह्मण बनता है? उस गरीब ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर जाती है। उसका नाम देते हैं शंकर। क्या हमारी भारतीय परंपरा के दो बड़े से बड़े भगवान के अवतार कौन माने जाते हैं? राम और कृष्ण। तो कृष्ण में तो माँ का पार्ट बजाया और राम की सोल में अंतिम चोले में पिता का पार्ट बजाता है। कौन? शिव सुप्रीम सोल। तो शिव सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, अभोक्ता है, वो प्रवेश करता है तीसरे नेत्र के रूप में, किसमें? शंकर। और चंद्रमा के रूप में कौन प्रवेश करता है? वो ही कृष्ण की सोल ब्रह्मा, जिन्होंने 69 में शरीर छोड़ा। तो एक है बाप और एक है दादा। दादा उस अर्थ में, क्योंकि सृष्टि की जब आगे होती है, सतयुग की शुरुआत होती है, तो कृष्ण बच्चे के रूप में सबसे पहले जन्म लेता है बाप से, इसलिए बड़ा भाई है, इसलिए दादा है। बाकी ब्रह्मा के रूप में वो इस समय माँ है। तुमको वर्षा भी बाप से मिलता है। क्या बड़ा भाई कितना भी होशियार हो, कितना भी दुकान को संभालने वाला हो, लेकिन वो वर्षा नहीं देता। भाई भाई को वर्षा नहीं देता। वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। तुमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। क्या यहाँ वर्षा भी बाप देने वाला है और साथ साथ पढ़ाने वाला भी वही बाप है। वो बाप बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। उससे बड़ा टीचर दुनिया में कोई नहीं होता। टीचर क्या चाहता है? टीचर की इच्छा क्या होती है अपने स्टूडेंट्स के प्रति? कि मेरा स्टूडेंट पढ़ करके इतना ऊंचा पद पाए जितना ऊंचा पद कोई बच्चे ने न पाया हो, कोई के शिष्य ने अपने न पाया हो, ये इच्छा होती है ना। तो ऐसे ही वो सुप्रीम टीचर इस सृष्टि पर आता है तो वो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करता है जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। आज दुनिया में डॉक्टरों के कॉलेज खुले हुए हैं, इंजीनियर्स के कॉलेज खुले हुए हैं, है? मास्टरों के, प्रोफेसर बनाने के कागज कॉलेज खुले हुए हैं, वकील बनाने के कॉलेज खुले हुए हैं, जज बैरिस्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जावेंगे, राष्ट्रपति बन जावेंगे 2-5 साल के लिए, है? वो कॉलेज खुलते हैं ना, पढ़ाई होती है ना। तो इतने बड़े दुनिया में, इतने बड़े बड़े हिस्ट्री में राजाएं हुए, छोटे राजाएं हुए, उन राजाओं को राजा ही करना किसने सिखाया? कब सिखाया? अरे कभी सिखाया होगा कि नहीं सिखाया होगा? ये संस्कार किसने भरे और कब भरे? तो ये वो समय चल रहा है, कलयुग के अंत का समय, जब सारे धर्म पिताएं अपने अपना करिश्मा करके चले जाते हैं इस सृष्टि से, गड्ढे में चले जाते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं, अपनी जनरेशन को भी नीचे गिरा देते हैं, सब धर्मों का पतन हो जाता है, तब परमात्मा सुप्रीम सोल आकर के ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलता है। भगवान का नाम क्या है? एक टाइटल है, सतगुरु। सत्य गुरु। कैसा गुरु? सतगुरु। सिख लोग कहते हैं एक ओंकार निरंकार सतगुरु अकाल मूर्त, एक सतगुरु अकाल मूर्त, सतगुरु एक है।
तो सतगुरु एक है तो बाकी गुरु क्या हो गए? बाकी सब झूठे हो गए ना। अच्छा, कहने से ना मानू, प्रैक्टिकल में देख लो, जितने भी मनुष्य गुरु इस दुनिया में आए उसके बाद दुनिया नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? नीचे गिरी है। प्रेम, सौहार्द, स्नेह, सहानुभूति, ये सब घटते जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा रहे हैं। एक दूसरे को काटने की, मारने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो परमात्मा अंत में आकर के जब सब अपने अपने करिश्मे दिखा देते हैं तो इस शक्ति पर आता है और आकर के क्या करता है? ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है सूत्रों को ब्राह्मण बना करके और ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिस पढ़ाई से वो ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते। कोई प्रश्न करे कि भगवान इस नरक की दुनिया का राजा बनाने आता है, हैं? अरे भगवान नरक की दुनिया का राजा बनाने आता होगा या स्वर्ग की दुनिया का राजा बनाने आता होगा? वो नरक की दुनिया का राजा नहीं बनाता है, वो बनाता तो है स्वर्ग की दुनिया का राजा। स्वर्ग में 21 जन्म होते हैं सत्य गुप्तता में, रामकृष्ण के राज्य में। सचयुग में नारायण का राज्य चलता है, उसकी गद्दियां चलती हैं। त्रेता में राम का राज्य चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी राम की गद्दियां चलती हैं। वो तो 21 जन्म का राजा बनाता है ऊंची कैटेगरी का, लेकिन जो पुरुषार्थियों में संस्कार भरते हैं पुरुषार्थ करने के, उन पुरुषार्थ के आधार पर सतयुग त्रेता पूरा होने के बाद वही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते जब द्वापर कलयुग में आती है तो नरक के राजा भी बन पड़ती है। क्या कहते हैं ना, तप कर राज, राज कर नरक। क्या तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं किसी जन्म में, पुरुषार्थ करते हैं तो अगले जन्म में राजा बनते हैं, और राजा बनते हैं तो प्रभुता पाए काहे मदनाई। क्या जो राजा ही जिसको मिल जाए तो उसको अहंकार करता है तो पाप बहुत करता है। तो तपस्या करके राजा बनते हैं और राजा बन करके फिर नरकगामी बनते हैं, नीचे गिरते हैं। ये क्रम द्वापर कलयुग की दुनिया में चलता है। अभी सतयुग में तो परमात्मा ऐसा राजा बनाता है जो पुण्य ही पुण्य करते हैं, पाप की कोई बात होती नहीं, किसी को दृष्टि से भी कुदृष्टि से लाल आंख करके नहीं देखते। तो परमात्मा नरक का राजा बनाने के लिए नहीं आता है। कहाँ का राजा बनाता है? स्वर्ग का राजा बनाता है। लेकिन स्वर्ग का राजा बनने वालों के जो अपने पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों के आधार पर कोई तीव्र पुरुषार्थी होता है, कोई बहुत धीमा पुरुषार्थी होता है, परमात्मा की वाणी पर ध्यान नहीं देता है, हैं? नहीं ध्यान देता है तो फिर वैसा पुरुषार्थ के संस्कार पड़ जाते हैं। क्या कोई का ऐसा पुरुषार्थ होता है कि एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बनकर के बैठ जाता है? ऐसा हिस्ट्री में हुआ है या नहीं हुआ है? कौन? बाबर के जीवन काल में ये घटना सबको पता है कि वो एक सिपाही, अच्छा योद्धा था, सिपाही था मिलिट्री का, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया कि एक ही जन्म में सिपाही से बढ़कर के ऊंचा क्या बन गया? भारत का सम्राट बनकर के बैठा, और वो भी लास्ट मुगलों का सम्राट नहीं, पहला राजा बन के बैठा। माने मुगल संतनत का फाउंडेशन जमाने वाला बन के बैठ गया। तो कितना ऊंचा पुरुषार्थी होगा जो एक ही जन्म में इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर सकता है? तो परमात्मा बाप आकर के ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। अभी जो ऐसी शिक्षा लेंगे, डायरेक्ट भगवान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे, तो कितना ऊंचे पद पावेंगे? पावेंगे या नहीं पावेंगे? तो हवा की बातें हैं, यहाँ हवा की बातें कुछ भी नहीं है। यहाँ सब अंधश्रद्धा को खत्म कर दिया जाता है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की यहाँ कोई बात नहीं है। तो तुमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? मनुष्य गुरुओं ने तो जन्म जन्मांतर पढ़ाया अब तक,
अब अंत में जब सब चिक्की निकल गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। महात्मा गांधी स्वराज लाने के लिए कितना संघर्ष किया, संघर्ष का फायदा क्या हुआ? और ही नरक बना या स्वर्ग बना? और ही नरक बन गया। तो जब सबकी हवा निकल जाती है, तब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि को सुधारते, सब धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्ट धर्मों का विनाश करते हैं। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, है? क्या तुमको ये नशा है कि ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं? ऐसी बुढ़ी बुढ़ी माताओं को इनके दांत उभरते जा रहे हैं, ये इतनी पढ़ाई पढ़ के विश्व के महाराजा बनेंगे। इनको बहुत नशा चढ़ा हुआ है। सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। क्या सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दुनिया में आज तक कोई तरीके से नहीं सुना सका। हिस्ट्री लिखने वालों ने हिस्ट्री झूठी लिख दी, वो भी सिर्फ आधा कल्प की लिखी। 2500 साल की हिस्ट्री लिखी, 2500 साल से ऊपर की हिस्ट्री किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो नरक की दुनिया की हिस्ट्री मिली, लेकिन नरक से पहले कभी स्वर्ग भी रहा होगा? रात होती है तो दिन भी रहा होगा? रात में तो ठोकरें खानी पड़ती हैं, अब दिन में तो सो जा रहा होता है। वहां सत्युग्रेता में तो भ्रकुटि के मध्य में आत्मा का प्रकाश इतना तीखा होता है कि आंखें बड़ी बड़ी और बड़ी तेज वाली दिखाई पड़ती है। देवताओं के नेत्र कैसे दिखाए जाते हैं, है? बड़े आकर्षणमय नेत्र होते हैं। जो जिनके नेत्रों में ही इतना आकर्षण था, तो उनका सारा शरीर कितना आकर्षणमय होता होगा। तो ऐसा परिवर्तन करने के लिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आता है, जिसके लिए पहला फाउंडेशन लगाता है कि तुम आत्मा हो, स्टार हो, सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। ये कोई नई बात बता दी क्या? ये तो गीता में भी बताया क्या? है क्या अणुअणीयान समनुस्मरेत, आत्मा अनुरूप है, ज्योतिर्मय है, है? भ्रमोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक, मृत्यु के समय भ्रकुटि में आत्मा का ध्यान करे। तो गीता में भी तो ये बात बताई है कि भ्रकुटि के मध्य में आत्मा रहती है, स्टार रूप आत्मा है। तो नई बात तो नहीं बताई, लेकिन ठीक है, नई बात नहीं बताई। शास्त्रों में भी ये बात बताई गई, लेकिन फिर लोगों ने माना क्यों नहीं? परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, आत्मा का स्वरूप ही भूल गए। आत्मा का जो टिकने का स्थान है भ्रकुटि का मध्य, उसमें टीका लगाना शुरू कर दिया और ये भूल गए कि ये स्टार यहाँ अंदर मौजूद है। और भाई लोग तो बिल्कुल ही भूल गए। कोई भाई यहाँ है जो यहाँ टीका या बिंदु लगाता हो? एक भाई बैठा हुआ है, है, है? बच्चे टिकी कि नहीं है? ज्ञान की भट्टी कर ली, यहाँ ज्ञान की भट्टी में पहले पकाया जाता है। यहाँ से नई दुनिया की चैतन्य ईंटें तैयार हो रही है, है? हाँ हाँ, तो अब जो पूछ रहे हैं सो इस बात पूछ रहे हैं कि ज्ञान की भट्टी कर ली कि नहीं? माता जी ने तो कर ली, तो आपने की कि नहीं अभी? है? अभी की नहीं। अच्छा, इसलिए आप टीका लगाते हैं दिखाने के लिए, है? ये नहीं समझते कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है और आत्मा का रूप कैसा है। तो कोई कोई पुरुष ऐसे हैं जो अभी भी उस पुरानी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, मस्तक में टीका लगाते हैं, वास्तव में भूल गए हैं। क्या बात भूल गए? कि ऋषियों महर्षियों ने बिंदी और टीका लगाने की परंपरा इसलिए डाली थी द्वापर की याद में, कि लोगों को एक दूसरे को देखने से याद बना रहे कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई हैं। ये भाईचारे की भावना बनी रहे, तुम भंगी हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम राजा हो, हम रंक हैं, ये इस तरह की भावना न पनपे समाज में, इसलिए ये परंपरा बनाई थी। बाद में ये परंपरा परंपरा रह गई, बिंदी बिंदी की जगह टीका टीका की जगह रह गया और सब भूल गए कि हम आत्मा हैं। क्यों भूल गए?
तो अभी भी देवान आ जाएगा हैं? अभी 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 की क्या गारंटी है कि अभी देवान नहीं आएगा? अरे बातें मत करो ना भाई, तो माता है ये दोस्त बहुत, भगवान आया हो नशा वशा कुछ भी नहीं है, थोड़ा किसी ने घुटुआ लगा दिया, ये क्या करते हो तुम? हमारी बच्ची नहीं है, तुम्हारी अम्मा थोड़े ही घुटुआ क्यों लगा दिया? तुम हमारी बहन थोड़ा ही है, ठीक नहीं बैठती, ठीक बैठा हटा उधर। अरे थोड़ी आत्म की स्थिति धारण करो, हमें आत्मा तुम्हें आत्मा पढ़ाई भी चलती जा रही है और लड़ाई भी होती जा रही है। तो परमात्मा बाप आकर के बताते हैं, बच्चे इन्हें देहधारी मनुष्य गुरुओं ने सत्यानाश किया है, इसलिए क्योंकि ये खुद ही भिखारी होते हैं। पढ़ाने वाला अगर बीड़ी पीता होगा और बच्चों से ये कहे बीड़ी मत पियो, तो बच्चे मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो जरूर बीड़ी पियेंगे। अरे मास्टर साहब क्यों पीते हैं? मास्टर साहब पीते हैं जरूर कुछ मजादारी आती होगी, हम भी पी के देखें। तो यही है, जो सिखाने वाले गुरु हुए, मनुष्य गुरु हुए, मनुष्य कहा ही जाता है विकारी को। मनुष्य माना वे, माना विपरीत कर्म, माना कर्मकार। विकार माना जो परमात्मा जैसे कर्म कराना चाहता है, उन कर्मों के विपरीत जो कर्म करता है वो है मनुष्य। क्या? द्वापर युग से हुए मनुष्य, और उससे पहले त्रेता और सतयुग में थे देवताएं। देवताएं विकारी नहीं होते, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी नहीं, कहते नहीं, ये तो देवात्मा है, ये तो देवता जैसा स्वभाव संस्कार है। माना किसी को दुख देने का स्वभाव संस्कार नहीं है। तो परमात्मा आकर के बता रहे हैं कि बच्चे जो खुद ही विकारी मनुष्य गुरु हुए, वो तुमको कितना भी सच्चा ज्ञान शास्त्रों के द्वारा देते रहे हो, वो शास्त्रों का ज्ञान भले देते रहे, कागज का ज्ञान रहा, प्रैक्टिकल इसलिए नहीं हो पाया कि ज्ञान देने वाले खुद ही निर्विकारी नहीं थे। और अभी तो मैं आया हुआ हूँ। क्या? देवताएं पवित्र होते हैं और मैं इन देवताओं का रचना रचने वाला एवर प्योर हूँ। सुप्रीम सोल क्या है? एवर प्योर, माने उससे जास्ती पवित्र कोई हो नहीं सकता। देवताएं तो फिर भी संघ के रंग में आकर के क्या हो जाते हैं? द्वापर युग से देवताएं नीचे गिरे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन के संघ में आते आते तो नीचे गिर के क्या बन गए? असुर जैसे बन जाते। मैं संघ में रंग में आता हूँ तो मैं असुर नहीं बनता हूँ। इसलिए मैं एवर प्योर हूँ, मेरे को कोई का संघ का रंग नहीं लगता। रामकृष्ण जैसी देवात्माओं को भी संघ का रंग लगता है, वो भी नीचे गिरते हैं। संग तारे कुसंग बोरे, लेकिन मेरे लिए ये बात लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्माएं हैं भोगी, भोक्ता, चाहे देवता बन के भोगे और चाहे मनुष्य बन के भोगे और चाहे मनुष्य से नीचे गिर जाए राक्षस बन जाए, वो उन्हें भोग जरूर चाहिए इंद्रियों का। क्या? लेकिन परमात्मा अभोक्ता है, वो जिस तन में प्रवेश करके मुकर्र रूप में पार्ट बजाता है, चाहे 16,000 नारियों के संग के रंग में भी क्यों न रंगे, तो भी वो ऐसा कोई विकृत कर्म नहीं करेगा जिससे कोई को दुख हो जाए। वो भोग नहीं भोगता, विकारी भोग तो बिल्कुल नहीं भोगता। तो उसका नाम है शिव। शिव माना हर कर्म में कल्याणकारी, हर बात में कल्याणकारी। तो वो बताता है कि मनुष्य गुरु इस दुनिया को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। मैं हूं जो इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए आता हूं, दैवी दुनिया बनाने के लिए आता हूं। अब तुम मेरी मत पर चलो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं सुनाता हूं, कोई मनुष्य गुरु नहीं सुना सकता। अच्छा, मनुष्य गुरु नहीं सुना सकता नहीं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो मनुष्य गुरु नहीं है? वो प्रवेश करने के बाद मनुष्य गुरु हैं? है? ज्ञान के आधार में मनुष्य गुरु नहीं है? सुनाने वाला ज्ञान के आधार मनुष्य गुरु नहीं है? और अभी तक जो गुरु हुए वो सब ज्ञान के आधार पर ही थे।
अरे मनुष्य में प्रवेश किया ना तो मनुष्य गुरु ही हुआ ना, देवता में तो नहीं प्रवेश किया। मनुष्य पतित तन में प्रवेश करेगा साधारण, गीता में लिखा है मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। मैं जब आता हूँ तो बड़े बड़े लोग मेरे को साधारण समझ करके, मूढ़मति लोग हैं, वो मेरे तो स्वरूप को पहचान नहीं पाते। तो जिस तन में मैं आता हूँ वो तन भी तो मनुष्य तन है ना, साधारण मनुष्य तन है तो साधारण कर्म करेगा या असाधारण कर्म करेगा? कर्म तो साधारण ही करेगा ना। अरे जिन कर्मेंद्रियों से भी, चाहे भ्रष्ट कर्मेंद्रियां हो चाहे श्रेष्ठ कर्मेंद्रियां, जिन कर्मेंद्रियों से भी कर्म करेगा तो जैसे और मनुष्य कर्म करते हैं वैसे वो भी तो कर्म करेगा, कर्म तो करेगा। लेकिन सुप्रीम सोल उसमें जो कंट्रोलर बैठा हुआ है, क्या उसमें जो सुप्रीम सोल कंट्रोलर बैठा हुआ है वो उस कार्य को दिव्य बना देगा क्या? जैसे और कार्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा शिव की जो यादगार है, सबसे जास्ती दुख देने वाली इंद्रिय कौन सी है मनुष्य जीवन में? है आंखें, आंखें उतना दुख नहीं देती, स्थूल हिंसा नहीं करती, खून खराबा नहीं करती। वो इंद्रिय कौन सी है जो खून खराबा करती है, जिसके आधार पर पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बता दिया मुरली? है काम, काम इंद्रिय। तो पुरुषों की काम इंद्रिय दुर्योधन दुशासन बनने से रोक नहीं सकती। तो परमात्मा बाप बताते हैं, बच्चे मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसके द्वारा मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ। अगर पूरा कंट्रोल न करूं तो 16108 गोपियों का गायन कैसे हो गया? आज के मनुष्य एक दो औरत को तो संभाल नहीं पाते हैं। 16108 रानियों को कैसे कंट्रोल कर लिया? कोई तो विधि होगी, तो विधि है राजयोग। क्या? ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है। इस राजयोग से कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, घर गृहस्थ में रह करके कंट्रोल करना सिखाता है। वो साधु सन्यासी तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं क्योंकि साथ में रह करके कंट्रोल, कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है। और भगवान आकर अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ही राजयोग सिखाता है, सन्यासियों को राजयोग, और वो सीख भी नहीं पाते। वो अपने को घमंड में रहते हैं, हम तो पवित्र, हमने घरघाट छोड़ा है। ग्रस्त बेचारे अपने को गिरिहस्ती समझते हैं, रोज डूबते रहते हैं, रोज उतराते रहते हैं, कहते हैं कहां माता खपच्ची कर लिया शादी कर गया। तो ऐसे गिरिहस्ती वालों को परमात्मा बाप आकर के ऐसा ज्ञान श्रेष्ठ सुनाते हैं जिससे वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना ग्रह व्यस्त में सीख सके। ऐसा सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाए बगैर नहीं हो सकता। क्या? ये मैं ही हूँ जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ, इसलिए मैं सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने वाला हूँ। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए पूर्व जन्म की बात सारी भूल जाते हैं। अर्जुन तू अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर के तेरे को बताता हूँ। तो जो मैं बताता हूँ वो तू ध्यान से सुन। तो क्या 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म के चक्कर को परमात्मा बैठ बैठ करके एक एक का बताएगा? ये संभव है? बता सकता है 84 जन्मों का हिसाब किताब? बता सकता है कि नहीं बता सकता? बता सकता है। एक एक का बैठाए बैठ के बताएगा 500 करोड़ का? 500 करोड़ आत्मा रूपी पार्ट धारियों ने अलग अलग 84 जन्म के चोरे लेकर के या कम चोरे लेकर के जो पार्ट बजाया है जन्म जन्मांतर, वो पार्ट परमात्मा बैठ करके नहीं बताता एक एक का। वो सीधी सीधी एक जैसे बीज गणित में बताया जाता है, ये गुणे तो गुण तो ये दो गुणे तीन, दो तीन छह, ऐसे वो एक फार्मूला बता दिया जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का फार्मूला बता देता है कि सृष्टि के आदि में तुमने एक मत को धारण किया था, एक राम की मत पर चले थे तो तुमने राम राज्य स्थापन किया था,
अभी तुम अनेकों की मत पर चलते हो, सब की बातें मान लेते हो। वो गुरु ने आकर जो सुनाया सत्य वचन महाराज, वो गुरु ने आकर के सुनाया सत्य है कृपा निधान। तो अब परमात्मा कहते हैं ऐसा मत करो, क्या ये दसियों और बीसियों सिरों की मत पर मत चलो। दस सिरों की मत पर चलोगे माने रावण की मत हो जाएगी। मैं एक मत देने वाला राम आया हुआ हूँ। रामायण दिखाते हैं, रामलीला दिखाते हैं ना, तो राम को कितने सर दिखाते हैं? एक सर। और रावण को 10 सिर, कोई अर्थ होगा ना। मनुष्य गुरुओं ने लोगों को सिखा दिया, हाँ कोई ऐसा आदमी होता था जिसको 10 सिर होते। अरे 10 सिर वाला आदमी इस दुनिया में कैसे पैदा होगा और कैसे चलेगा, कैसे फिरेगा, भीड़ भाड़ में जाएगा उसे सर ही टूट जाएंगे। अच्छा चलो हुआ भी हो तो उसके कुल में कोई तो होना चाहिए, आज परंपरा में होना चाहिए ना। कोई भी नहीं होता 10 सिर का, न चार भुजाओं का कोई विष्णु होता था। लाक्षणिक अर्थ है कवियों ने, जो कवि उन्होंने जो भाषा लिखी थी उस भाषा को कै समझे कवि या समझे रवि, माने वो कवि तो शरीर छोड़ करके चले गए तो वो तो अब अर्थ बैठ के बता नहीं रहे। मनुष्य गुरु उसका उल्टा उल्टा अर्थ उठा रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया रावण को 10 सिर थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 1 दिन जगता था। तो ऐसी ऐसी बातें जो बनाए दी हैं, जिनका कोई आधा पीछा नहीं होता है, तो उन बातों को परमात्मा बाप आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना करके सच्ची बात बताता है कि मैं अंधश्रद्धा को आकर के तोड़ता हूँ। अंधश्रद्धा युक्त ज्ञान माना भक्ति, और जिसमें अंधश्रद्धा को तोड़ दिया जाए, कारण और कार्य का विश्लेषण करके हर बात बताई जाए, वो है ज्ञान। वो परमात्मा बाप ही आकर के सुनाता है, वो आकर के बता रहा है कि बच्चे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को ज्ञान को तुम सीखोगे समझोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो कौड़ी तुल्य जो हीरे बन चुका है वो हीरे तुल्य बन जाएगा। हीरे में और कौड़ी में क्या अंतर होता है? हीरे में चमक मारती है, अंधेरे में हीरा रख दो अंधेरे में भी चमक मारेगा, और कौड़ी में, कौड़ी में अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। शक्ल तो देखो कौड़ी की कैसी होती है। आज के मनुष्यों की बुद्धि भी ऐसी बन गई, कौड़ी में ही बुद्धि लगी रहती है, उससे बुद्धि बाहर निकलती नहीं। इतना देह भान व्यापक हो गया है। अब परमात्मा बाप बताते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर नहीं हो, न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो। ये तो एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का होता ही रहता है। तुम वास्तव में ज्योति बिंदु आत्मा हो, स्टार हो। अपने को स्टार समझेंगे तो इस चक्र से छूट जावेंगे। कौन से चक्र से? जो इस दुनिया में जन्म मरण का चक्र चल रहा है, दुख सुख का जो चक्र चल रहा है, इसे छूट जावेंगे। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, शांति धाम का, शांति धाम का, परम धाम का, ब्रह्मलोक का, वहाँ तुम बच्चे भी मेरे साथ आ जाएंगे। तो बताया बाप तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। भक्ति मार्ग में गुरुओं ने सुदर्शन चक्र का क्या अर्थ बताई दिया? रथ का पहिया निकाला और रथ का पहिया लगा ही यूं घुमाने लगे, आओ उसे सब असुरों के गले काट दिए। अगर यहाँ कोई पंडित जी बैठे होंगे तो कहेंगे ये तो हमारे सनातन धर्म को सत्यानाश किए दे रहे हैं। लेकिन नहीं, सत्यानाश करने की बात नहीं है, बात समझने की है। रथ किसको कहा जाता है? शरीर को रथ कहा जाता है। शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि, और शास्त्रों में लिख भी दिया है क्या, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयानि आहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। फिर एक तरफ लिख दिया है, दूसरी तरफ भूल जाते हैं। तो यही पक्का कर लेते हैं कि अर्जुन ने कोई अपना रथ बनाया होगा चार घोड़ों का, और उन चार घोड़ों पर सवार होकर के भगवान को अपना सारथी बना लिया। अरे सारथी का अर्थ होता है रथी के जो साथ रहता है, क्या रथ को धारण करने वाला रथी, रथ माना शरीर, रथ को धारण करने वाला रथी, क्या शरीर रूपी रथ हुआ और उस शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करने वाला अर्जुन हुआ, पुरुषार्थी है, जो पुरुषार्थ का अर्जन करता है, पुरुषार्थ कमाता है, और उसका सारथी उस रथी के साथ जो सहयोग देने के लिए बैठता है का नाम हुआ सारथी। तो अब समझ में आया, राम कृष्ण और सुप्रीम सोल, तो राम कृष्ण कौन हुए? ये रथी है नंबर वार,
और उनमें सुप्रीम सोल जो प्रवेश करता है वो है सारथी। तो रथ का अर्थ ही उल्टा कर दिया। तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, माना कोई रथ का पहिया नहीं है, ये शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ में संकल्पों का जो चक्र है वो हमेशा घूमता ही रहता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? अगर मनुष्य है तो चक्र जरूर घूमेगा, जानवर है तो उसका चक्र नहीं घूमेगा। कह देते हैं 84 लाख योनियां लेता है मनुष्य। मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं लेता है, 84 लाख योनियों जैसा जीवन बिताने लगता है। क्या कुत्ते जैसी कामी बुद्धि हो जाएगी, तो बस उनको वो ही सवार रहता है भूत, उनको कुछ और याद ही नहीं आता। बिल्ली जैसे लड़ाई लड़ने वाले बन जाते हैं, बिल्ली लड़ते हैं ना आपस में, तो ऐसा स्वभाव संस्कार धारण करती है मनुष्य आत्मा। बाकी ऐसा नहीं है कि बैंगन का बीज बदल करके आम बन जाएगा। अरे आत्मा भी एक प्रकार का बीज है। आत्मा रूपी स्टार जो यहाँ बैठा हुआ है, उसकी शक्ति, उसकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है। वो आत्मा स्टार जब निकल जाता है तो आंखें बटन जैसी हो जाती है। आंखों से कुछ चैतन्यता दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। तो इसके साबित, इसे साबित होता है कि वो आत्मा रूपी राजा इस उत्तमांग में बैठा हुआ है। वो जो बैठा हुआ है उसको परमात्मा बाप आकर के सिखा रहे हैं। क्या हम आत्मा रूपी राजा हैं, जो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाले राजा बन रहे हैं इस समय, जो भविष्य के राजा बनेंगे, जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध हैं, तो अभी उनको क्या करना है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला बनना है। तो ये शरीर रूपी रथ है, इस शरीर रूपी रथ में परमात्मा बाप आकर के विराजमान होकर के सारथी बन रहा है और हमको कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखा रहा है। उन्होंने युद्ध दिखाई दिया कौरव पांडवों का। क्या किसका किसका युद्ध दिखाई दिया? कौरव, कौ माने कौआ की तरह, रव माना शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं और काम कुछ भी नहीं कर पाते। क्या काम कुछ नहीं करते? अरे कुछ तो काम करते होंगे, हैं? गंदगी फैलाने के सिवाय कोई काम नहीं करते। 5 स्टार होटल बनाते रहेंगे, हैं? और गंद करते रहेंगे। परमात्मा बाप कहते हैं, बच्चे अब ये कौरवों का जो राज्य है वो जाने वाला है। अब तुम जो पंडा के पुत्र पांडव बने हो, क्या ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, विष्णु के पुत्र वैष्णव, शिव के पुत्र शैव, ऐसे ही पंडा बनता, पंडा मन यात्रा कराने वाला, यह है राजियों की यात्रा। क्या इस नरक की दुनिया से शांति धाम और सुख धाम तक की यात्रा कराता है बुद्ध योग से? तो पहली बात बताता है कि मैं तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। स्व माने आत्मा, दर्शन माना देखना, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को इस शरीर के अंदर जो बुद्धि मन बुद्धि है उसमें ये चक्र घुमाओ। क्या इस चक्र को अगर तुम घुमाओगे बार बार, सत्य के आदि मध्य अंत के चक्र को बुद्धि में बार बार अंदर लाओगे कि सत्य में हम क्या थे, त्रेता में हम कैसे क्षत्रिय बने, राम के राज्य में द्वापर में आकर के विशेष वैश्य बन गए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के द्वारा स्थापन किए हुए धर्मों में, और अब हम शुद्ध बन गए हैं पांव के समान। कभी कीचड़ में पांव जाता है, हैं? कभी कहीं पांव गिर जाता है। तो अब बाप बताते हैं, ये बुद्ध रूपी पांव को तुम संभालो, संभालने के लिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ओम शांति।